जिसका जवाब जवाबी से कोई मतलब नहीं था, स्वतंत्र चक्र हो रहा था। बहुत सुंदर सा प्रस्तुतिकरण आखिरी चक्र में पद्मा जी का रहा है। मैं उन्हें बधाई देता हूं, लेकिन जब मैंने मना किया था कि सवाल जवाब ना करिएगा तो आपने आपको नहीं करना चाहिए था। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे बड़े भैया सम्मान्य आदरणीय संजय भैया, लेकिन हमें एक शिकायत भी है आपसे कि हमारी भतीजी को आप कब मिलवा रहे हैं हमसे, जो लगी है आपके लिए कशिश, इतनी प्यारी बच्ची है और ये कहते हैं कि संतान को बड़े सौभाग्य से माता पिता मिलते हैं, लेकिन यहां माता रानी ने कुछ ऐसा कर दिया कि माता पिता को सौभाग्य से ऐसी संतान मिली। जब से वो आपके जीवन में आई है आपके जीवन को बदल दिया उसने। KS कशिश का फुल फॉर्म यही है, भतीजी के नाम से आपने इस चैनल को प्रारंभ किया था और आज ये चैनल कीर्तन क्षेत्र के लिए तो नंबर वन बन चुका है। मैं चाहता हूं संजय भैया के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। धन्यवाद। कहने सुनने के लिए कुछ रहा नहीं पद्मा जी, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब मैंने कह दिया था कि जूता चुराने वाली साली मिली है तो जवाब में आपने गा दिया कि दारू भाग देवर मिला है। ये सब आसाराम की गलती है। पद्मा जी, मेरा कहने का मात्र एक तात्पर्य था कि जहां पर गणेश भगवान का कलश स्थापित किया जाए मंडप में, दूल्हा बैठता है वो अचानक उसकी साली आती है जूता चुरा के चली जाती, आखिर ऐसी प्रथा क्यों चलाई गई? बाबा ऐसा क्यों करते हो? चलिए ठीक है, कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि जवाबी खत्म हो चुकी है। आइए, मैं फिर कोशिश कर रहा हूं, पुनः रात भर हमने प्रयास किया है आपके दिलों को छूने का, तो मैं ये जान गया कि मैं पहली बार आया हूं, लेकिन सालों साल आप लोग हमें भूल नहीं पाएंगे ऐसा कुछ छोड़ के जा रहा हूं। तो चलते चलते फिर एक बात कहना चाहूंगा, दर्शन कर ले डमरू वाले बाबा की। संजय भैया एक गीत बजा था, हाँ
वीर, माता रानी से आपने उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अगर आप बरेली के हैं तो मैं भी रायबरेली का हूँ। स्वागत है आपका। एक दिन आप भी अपने बरेली का नाम रायबरेली में जरूर रोशन करेंगे। सुने, पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूँ। कहने लगे डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान से, मैं आईना देखो। अग्निया पप्पा जी, इस संगीत को सुने आप। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ समिति के सदस्यगणों से कि वो कृपया कार्यक्रम अंतिम पड़ाव में है, इसलिए हम लोगों के समक्ष आ जाएं और बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सुने सुने, इमरान खान से डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे, क्या किसी आली बिल्ली सा थम भानो चे हाथ पांव सब भूल गए, सर पे ओले पड़े जब से, एक हजार के बम, एक हजार किलो के, सर पे ओले पड़े हैं जब से, सेकी सारी भूल गए। समझ गया, वरना वरना भीख तो तू मांग रहा है, आने वाले समय में भीख मांगने लायक ही नहीं बचेगा। कहने लगे भारत के प्रधानमंत्री को पहचानने का प्रयास करो, करो कि चाहे तो तेरी, अरे चाहे तो तेरी साथ हिला दे। ऐसा है भारत का प्रधानमंत्री, कि चाहे तो तेरी साथ हिला दे, हाथ में तुझे मिला दे, कि चाहे तो तेरी साथ हिला दे, हाथ में तुझे मिला दे। एक्सक्यूज मी, सुने हो मेरी मानो जरा पहचानो, ना पैरी पैर था दो, हो जाओ चुप चाप है, ज्यादा उछल कूद करोगे तो अभी तो एक ही हजार किलो के बम गिरे हैं, तो कहीं इसका वजन बढ़ गया तो क्या होगा, तो ऐसे बोलोगे। कहने लगे कि मेरी मानो जरा पहचानो, ना पैरी पैर था दो, हो जाओ चुप जाओ है, क्योंकि बेटा रे बेटा रे बेटा बेटा ही रहोगे, बाप बाप है। धन्यवाद धन्यवाद। अब क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि इमरान आखिर पाकिस्तान निकला तो हिंदुस्तान से, इसलिए मेरी मानो जरा पहचानो, न बैरी पैर ठानो, हो जाओ चुप चाप रे बेटा रे लल्ला रे बेटा बेटा ही रहो के। ये राष्ट्र से जुड़ी हुई बातें हो रही है। एक ये
संगीत बजा था कभी, पहुंच जा। ओ हो 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 कलाकारों से संपर्क करें। खंड गीत गा रहा हूं, आखिरी पंक्तियां है, ऐसा करता हूं कि हमारी आपकी मुलाकात खंड गीत के गाते गाते हो जाएगी। सुने से लिया समर्थन वापस।
और जब वापस लिया तो आपस में लोग चर्चा करने लगे, कहा मोदी जी की बात ही अलग है, वो तो देश के लिए जीवन जी रहे हैं। तो दूसरे ने कहा मोदी जी ने बहुत बलिदान किया है, आपस में चर्चा कर रहे हैं और कह क्या रहे हैं, क्या कश्मीर की कन्याकुमारी वापस लिया और वो कहने लगे कश्मीर की कन्याकुमारी महबूबा मुफ्ती, कश्मीर की कन्याकुमारी मत जिसकी गई है बारी, कब जोर घड़ी वो हमारी, क्योंकि आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं वहां पत्थरबाज, कब जोर घड़ी वो हमारी, चाहे न दिलों का बंधन, चाहे न दिलों का बंधन, लगना न कोई अनुबंधन, अब तोड़ दिया गठबंधन। धन्यवाद है आपकी तालियों का। चाहे न दिलों के बंधन, रखना न कोई अनुबंधन, अब तोड़ दिया गठबंधन। तो एक महाशय जी टेलीविजन देख रहे थे, उन्होंने कहा मोदी जी ने कभी गलत चीज का समर्थन नहीं किया, तो दूसरे ने कहा बहुत अच्छे इंसान है वो, तो एक तीसरे ने कहा क्यों, तो कहने लगा वो पहले पत्नी को महबूबा को छोड़ दिया इसी देश के, पहले पत्नी को छोड़ा जिस विशेष के लिए, महबूबा को छोड़ दिया इसी देश के लिए। पद्मा जी तो कई बार आई है, मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये मेरा आखिरी नहीं होगा, बड़े बड़े आखिरी नहीं होगा, अब आना जाना लगा रहेगा। लेकिन पहली बार में ही आप लोगों ने इतना प्यार स्नेह मुझे दिया कि मुझे नहीं लगा कि मैं पहली बार आया पहली बार मिला। एक गजल है जो हर कीर्तन कलाकार गाता है, प्रयास में ही कर रहा हूं, कह रहा हूं लोगों से मिलके
मुलाकात अपनी है सदियों पुरानी है। ये आना बजाना, ये मिलना मिलाना, हंसना मुस्कुराना हमारा तुम्हारा, यही है फसाना हमारा तुम्हारा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रातःकाल अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं आज के कार्यक्रम की। हाँ, गाना बजाना हंसना मुस्कुराना